नमस्कार, आज हम बात करेंगे डबल क्लच की या IPTO क्लच लीवर के बारे में। ये डबल क्लच माने इसके अंदर आपको दो क्लच प्लेट होंगी, मगर इसकी ऑपरेशन जो है ट्रांसमिशन क्लच की ऑपरेशन आपको एक पैडल में मिलेगा, और PTO क्लच जो है वो अलग से हमने एक IPTO लीवर दिया हुआ है इधर। तो जब भी ये IPTO लीवर पीछे की तरफ है तो एंगेज रहेगा, तो आपका PTO चलता रहेगा, और जब भी आप ये IPTO लीवर आप आगे की तरफ करोगे तो PTO चलना रुक जाएगा, क्योंकि क्लच डिसएंगेज हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर। इसको इंडिपेंडेंट क्लच लीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है अपना ट्रांसमिशन क्लच से, उसकी ऑपरेशन अलग और इसकी ऑपरेशन अलग। अभी इसकी ऑपरेशन की मैं बात करूँगा। अगर ट्रैक्टर में MRPTO भी है, 540 भी है, तो ये जो IPTO लीवर है ये काम करेगा केवल 540 स्टैंडर्ड PTO RPM पे। MRPTO पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि MRPTO तो गियरबॉक्स के अंदर से जाता है, तो आपका मेन क्लच ही काम करेगा। मगर जो 540 स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल करोगे ज़्यादातर, उसके लिए ये बना है IPTO क्लच लीवर। आइए इस PTO क्लच लीवर को कैसे ऑपरेट करते हैं और इसके फायदे क्या हैं जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था IPTO क्लच लीवर कैसे ऑपरेट करेगा, पहले आपको ध्यान रखना है ये जो PTO सिलेक्शन लीवर होता है ये आगे की तरफ रहे। जब ये आगे की तरफ रहेगा तो 540 स्टैंडर्ड RPM आपको पीछे मिलेंगे और IPTO क्लच उसी पे काम करेगा। उसके बाद आप ट्रैक्टर को चालू कीजिए। देखिए अभी PTO घूम रहा है, IPTO क्लच लीवर पीछे की तरफ है। जब मैं IPTO क्लच लीवर आगे की तरफ करूंगा तो क्लच रिलीज हो जाता है और PTO घूमना बंद कर देता है, और वैसे ही जब मैं इस क्लच लीवर को पीछे की तरफ करूंगा तो क्लच एंगेज हो जाता है और PTO घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप ये IPTO क्लच लीवर ऑपरेट करना चाहेंगे, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, आप डायरेक्टली इस डंडे को आगे की तरफ धक्का दोगे तो ये ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी सेफ्टी लॉक दी गई है। तो आप इस लॉक को हल्का सा ऊपर उठाओगे, फिर इस लीवर को आगे धक्का दोगे तभी यह ऑपरेट होगा, और फिर से जब भी इसको एंगेज करना चाहोगे फिर से इस लैच को आप ऊपर उठाओगे, फिर पीछे की तरफ इसको ले जाओगे और लॉक कर दोगे। तो दोस्तों अभी बात करेंगे ये IPTO क्लच लीवर का फ़ायदा क्या है डुअल क्लच के अतिरिक्त। डुअल क्लच में होता क्या है, अगर आप अलग से PTO को रोकना चाहोगे ट्रैक्टर चलते रहना चाहिए तो वो असंभव है, क्योंकि देखिए जब आप PTO को रोकना चाहोगे तो क्लच पेडल दबाओगे तो पहले ट्रैक्टर रुक जाएगा, और पूरा दबाओगे तभी जाके PTO रुकेगा। मगर IPTO में होता क्या है, आपको क्लच पेडल की इस्तेमाल ही नहीं करनी है, डायरेक्टली आप IPTO लीवर आगे की तरफ रुक दो, PTO रुक गई, अब IPTO लीवर पीछे की तरफ कर दो और क्लच एंगेज हो गई और PTO चलने लगा। तो ये सारे ही काम जैसे PTO चालित काम जैसे कि रोटावेटर रीपर के कामों में सक्षम है। इसके अलावा बड़े उपकरण जैसे कि हार्वेस्टर, जहां ट्रैक्टर को आप ऊपर माउंट करके चलाते हो, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत टाइम और तेल भी बचाएगा। कैसे, जब हार्वेस्टर पे ट्रैक्टर माउंट करके चला रहे हो तो एकदम से ऐसे टाइम आता है कि आपको कटर बार को रोकना पड़ता है, कुछ फंस गया, और ट्रैक्टर को खेत से एकदम से निकालना भी पड़ता है। तो उस टाइम में आप इस IPTO क्लच लीवर को आगे करो, ट्रैक्टर चलती रहेगी मगर कटर बार रुका रहेगा, अपना काम करो, फिर जब चालू करना है IPTO लीवर पीछे करो, कटर बार भी स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले समय में ऐसे ऐसे उपकरण आ रहे हैं जहां पर आपको IPTO लीवर का बहुत उपयोग होगा और बहुत फायदेमंद भी होगा। तो आइए दोस्तों फार्म ट्रैक के अंदर ये नया IPTO लीवर खुद चला के देखिए।